नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। ललितपुर में ट्रेन से लापता किशोरी का ट्रैक पर शव मिला। यात्रा के दौरान पिता के साथ जा रही थी बेटी, ट्रेन में पिता के साथ बर्थ पर सोते समय ट्रेन से लापता हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। आंध्रा स्टेशन से मथुरा के लिए यात्रा कर रहे थे लोग। ललितपुर के बिजरोठा रेलवे स्टेशन के आगे रायपुर के पास शव मिला है। बाराबंकी में रात से गायब 6 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। गांव के बाहर तालाब में मिला मासूम बच्ची का शव। बच्चे के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने गांव के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सफदरजन थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का यह पूरा मामला। कानपुर के गोविंद नगर रेलवे कॉलोनी में भी रहने वाली 2 बेटियों ने कोरोना संक्रमण में अपने माता पिता को खो दिया। बच्चों का अब कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। ऐसे में बच्चों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, मगर माता पिता को खो चुकी 2 बेटियों की जिम्मेवारी निभाने के लिए अब कई लोग सामने आए हैं। जिस मकान में बच्चियां रह रही हैं, उस मकान मालिक ने किराया न लेने की बात कही। ऐसे में यदि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ भी बच्चियों को मिल जाए तो आने वाले समय में उनकी समस्या जल्द खत्म हो जाएगी। बरेली के थाना प्रेमनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला के शव को 50 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की माने तो महिला की हत्या कर उसके पति और बेटे के द्वारा शव को पास के ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब महिला के छोटे बेटे ने एक वीडियो वायरल कर जांच की मांग की है। SSP रोहित सिंह सजवाण ने जिलाधिकारी से अनुमति लेकर शव को कब्र से बाहर निकलवाया। शव काफी पुराना होने की वजह से अभी हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। मेरठ के KMC अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्मचारी अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा मरीजों को भर्ती किया गया, जिसके कारण अस्पताल में ऑक्सीजन का अभाव था। तब अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया, जिससे दर्जनों मरीजों की मौत हो गई। कान्हा की नगरी मथुरा के ग्रामीण इलाकों में चोर सक्रिय हैं। बीती रात चोरों ने कस्बा राया में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया और पुलिस को चुनौती दी। अज्ञात चोरों ने नगर पंचायत कर्मी के मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर में महिला और बच्चों को बेहोश कर नगदी और लाखों रुपए के आभूषण मोबाइल चुरा ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और चोरों की तलाश की जा रही है। कानपुर देहात में नाबालिग किशोरी के साथ गांव के 40 वर्षीय वीर सिंह ने दुष्कर्म किया। आरोपी के 2 साथियों ने दुष्कर्म का वीडियो बना दिया और वायरल कर दिया। किशोरी की हालत नाजुक होने पर परिजनों के साथ पीड़िता को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एक आरोपी गोविंद को भी गिरफ्तार किया गया। दुष्कर्म का मुख्य आरोपी फरार है। तीसरे आरोपी गोविंद उर्फ ठाकुर का गांव के बाहर संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम शव की जांच में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक ने दुष्कर्म का वीडियो बनाया था, जिसके चलते आरोपी और किशोरी के परिजनों ने हत्या कर शव को लटका दिया। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रसूलाबाद क्षेत्र के गाँव लुथोरा का ये पूरा मामला। कोविड की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को त्राही माम करने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बाद अब संभावित तीसरी लहर को नजर में रखते हुए वृंदावन में साध्वी रतंभरा के वात्सल्य ग्राम में आज देश के पहले मॉडर्न कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई, जिसका प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कई और मंत्रियों ने उद्घाटन समारोह किया और ये उद्घाटन समारोह वर्चुअल तरीके से किया गया। अमेरिका में रह रही बेटी को पिता ने भारत में कोरोना के कहर से रूबरू कराया। अमेरिका में रह रही बेटी ने कानपुर में रह रहे पिता को लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जरूरतमंद लोगों को निशुल्क देने को कहा। आगे भी बेटी ने बोला है कि देश के लिए हर संभव मदद करती रहेगी। ये पूरा मामला कानपुर का बताया जा रहा है। हरदोई के मल्लवा कोतवाली क्षेत्र के दाऊदपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में चचेरे भाई ने अपनी चचेरी बहन की धारदार हथियार से हत्या कर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी जैसे घर वालों को मिली, कोहराम मच गया। सूचना पर SP अनुराग वत्स, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल यादव, CO बलग्राम और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों से पूछताछ लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।